the maximum temperature. जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कम है. जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी है 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी डेंसिटी है 2.9 या 3 ग्राम भी कंसीडर किया जाता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर. इट मीन कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वेट ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका वेट कम होगा. और ओशनिक क्रस्ट बेशक उसकी थिकनेस कम है लेकिन उसकी डेंसिटी ज्यादा है. इट मीन कि जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल का कोलिजन होने के चांसेस बनेंगे तो ओशनिक की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये हैवी इन वेट है. जब कोलिजन होगा तो ये ओशनिक नीचे जाएगी, कॉन्टिनेंटल इसके ऊपर आना शुरू होगा. कॉन्टिनेंटल की बेशक थिकनेस ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है. ये जो एरिया है मिडल मेंटल, ये मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया है क्योंकि यह है लिक्विड फॉर्म है और यहाँ पर टेम्परेचर भी है 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. यहाँ इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर और ये मोल्टन रॉक्स है और रॉक्स आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं. इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं मिडल मेंटल. तो जिसकी वजह से होता क्या है कि एक जगह पर ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है, एक जगह पर कम एनर्जी जनरेट हो रही है. अनइवन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है मिडल मेंटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. अगर एक साइड पर ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है एक साइड पर कम हो रही है तो डेफिनेटली वो जो मटीरियल है जहां पर ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है वो ज्यादा एनर्जी उस मटीरियल को पुश करेगी, उस मटीरियल में मूवमेंट होगी, वो मूव करेगा. तो आपकी जो मिडल मेंटल है ये मूव कर रही है. और इसके दो रीजन है, नंबर वन अनइवन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, नंबर टू रोटेशन ऑफ अर्थ. इन दो रीजन की वजह से ये मूव करती है. जब ये मूव करेगा ऊपर वाली जो लेयर है हमारी ये दोनों मिला के क्रस्ट और आउटर मेंटल को कलेक्टिवली लिथोस्फीयर कहते हैं. लिथोस्फीयर क्रस्ट और आउटर मेंटल लिथो में रॉकस्फीयर स्पाइरस में रॉकस्फीयर ऑफ अर्थ. ये तो बहुत थिन लेयर है लिथोस्फीयर. यहाँ पर जब एनर्जी जनरेट होगी और ये मूव करेगा तो ये मटेरियल जो मेंटल का मिडल मेंटल का जो मटेरियल है ये क्या करेगा कि ये जो आउटर शेल है हमारा सॉलिड जो शेल है ये इसको भी आपके साथ मूव कराने की कोशिश करेगा. जिसकी वजह से लेकिन वो तो सॉलिड फॉर्म में वो मूव नहीं करेगा. होगा क्या तो उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाए, वो ब्रेक होना शुरू, पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो. अब उसमें क्रैक्स कैसे अपीयर हो रही है क्योंकि मिडल मेंटल जो है वो मूव कर रहा है. उस मूवमेंट की वजह से जो आउटर पार्ट है वो क्योंकि सॉलिड है और थिन है वो उसके साथ मूव नहीं कर पा रहा तो वो जो है उसमें क्रैक्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे आउटर शेल. तो हमारी जो लिथोस्फीयर है ये पीसेस में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी. ये इसके पीसेस बना, कुछ लार्ज साइज के कुछ स्मॉल साइज के पीस बनना शुरू हो जाएगा. ये जो एक पीस है इसको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं. ईच पीस ऑफ लिथोस्फीयर या लिथोस्फीयर में दोनों आ जाएंगे कंट्री वो क्रस्ट भी और आउटर मेंटल इसका और टेक्टोनिक प्लेट. अब कुछ लार्ज साइज के टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कुछ स्मॉल साइज क्योंकि ये रेगुलर डेफिनेटली उसमें क्रैक्स अपीयर होंगे फिशर्स होंगे. तो जब ये मेंटल मूव कर रहा है तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स को भी आपके साथ मूव करो. अभी तक जो डिस्कवर्ड हुए हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में वो 15 है 15 है लार्ज साइज के कुछ स्मॉल साइज के. ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं सेंटर से थिक होती हैं और एजेस से ये थिन होती हैं. जो एजेस एंड प्लेट्स के वो थिन होते हैं सेंटर से ये हार्ड होते हैं. जहाँ पर एक प्लेट एंड हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है ये जो जंक्शन है दो प्लेट्स इसको फॉल्ट कहते हैं या फॉल्ट लाइन कह रहे हैं. फॉल्ट लाइन है जो जंक्शन है इन प्लेट्स का.
फार्ट लाइंस हैं, ये वो रीजन है जहां पर मैक्सिमम जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जहां पर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, सारा इस इन्हीं फॉल्ट लाइंस के ऊपर। अब इन प्लेट्स के फिर नाम है, वो नाम आप लोगों ने वो नोट्स में लिखे हुए हैं वो याद करते हैं, और स्पेशली जो पाकिस्तान का जो माउंटेनियस एरिया डेवेलप किया हुआ है वो आप उन दो प्लेट्स के नाम याद करते हैं, एक इंडियन प्लेट है और एक यूरेशियन प्लेट है जिसने हमारा माउंटेनियस एरिया। अगर फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूँ अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, ये वो आपने किया होगा उसके अलावा कुछ नहीं पता Thank you.